साथियों नमस्कार, सीसी जावेद एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती की संभावना प्रबल होने के बाद भी इस साल भर्ती की उम्मीद कम नजर आ रही है। 33,000 शिक्षक भर्ती भी इसी की उम्मीद से जुड़ा हुआ है। साथियों विस्तार से बात करेंगे। साथी नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम आज की इस पेपर कटिंग को ध्यान से देखिए, जिसमें कहा गया है कि लंबा इंतजार, उच्च शिक्षा के प्रस्ताव को वित्त मंत्री से अभी अनुमति नहीं मिली है। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती की सुगबुगाहट जब सीजी सेट की परीक्षा हुई थी उसके दौरान ही चलने लगी थी कि सीजी सेट की परीक्षा के तुरंत बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकल जाएगा। इसको लेकर ये जो पद हैं इनको वित्त से अनुमति के लिए भेजा गया और आखिरकार वही जो है वित्त विभाग में जाकर वित्त मंत्री जी के ये रुक गया। यही नहीं साथियों, हम सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को ही लेकर इस साल उम्मीद ज़्यादा जता रहे थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो जाएगी, लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की उम्मीद नहीं के बराबर इस साल नज़र आ रही है तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक भर्ती होने की भी उम्मीद इस वर्ष कम नज़र आ रही है। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आप जान रहे हैं कि BEd DEd युवा बेरोजगारों द्वारा लगातार जो है आंदोलन के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से, ज्ञापन आवेदन निवेदन ट्विटर के माध्यम से शासन को 33,000 शिक्षक भर्ती कराने को लेकर अवगत तो करा रहे हैं, लेकिन शासन का यही जवाब आ रहा है, सरकार का यही जवाब आ रहा है कि हम शिक्षक भर्ती करेंगे, लेकिन आखिर कब करेंगे ये अभी कोई नहीं बोल रहा। कोई भी कहना चाहिए मंत्री हो, विधायक हो, उनका यही कहना है कि शिक्षकों की भर्ती होगी, लेकिन एक समय सीमा नहीं बता रहे हैं। और साल भर बीत गए हैं जबकि मोदी की गारंटी के तहत घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर पर उल्लेख था कि 1,00,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अब युवाओं की उम्मीद 9 से 10 माह हो गया है, अभी तक जो है किसी प्रकार से सकारात्मक अपडेट शिक्षा विभाग में भर्ती को लेकर नहीं आ रहा है, जिससे कि युवा बहुत ज़्यादा नाराज हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी जब रुकी, इस साल उम्मीद कम है तो जाहिर सी बात है शिक्षक भर्ती को लेकर भी इस वर्ष उम्मीद कम ही नज़र आ रही है। इसलिए युवाएँ जमीनी स्तर पर, मैदानी स्तर पर जो है अपनी मांग के लिए तत्पर हैं और इसको लेकर आप विभिन्न ग्रुप्स में आप देख पाएंगे कि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवा बहुत ज़्यादा हताश हैं, परेशान हैं। क्योंकि अगर मैं सही मायनों में बात करूं तो भर्ती 2023 में तो आई थी, लेकिन ये जो 2023 की भर्ती है साथियों, वह OBC और अनारक्षित कैटेगरी के लिए नहीं के बराबर भर्ती आई थी। और दूसरी बात ये है कि जो भर्ती आई थी वो सिर्फ बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए आई थी, इसलिए क्या है रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के युवा साथी जो है लंबे समय से, अर्थात 2019 के बाद अभी तक भर्ती नहीं आई है, तो लंबे समय से 4 से 5 वर्ष तक का समय हो चुका है इंतजार कर रहे हैं। कला वाले साथी जिनके लिए तो भर्ती एक सपना ही रह गया है क्योंकि काफ़ी लंबा समय बीत चुका, कला वाले साथियों के लिए शिक्षक भर्ती नहीं आई है। पिछली भर्ती आई थी जिसमें विषय बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इस बार विषय शिक्षक की भर्ती होगी ये भी जानकारी जो है विभाग से मिल रही है। लेकिन भर्ती शासन के ही ऊपर निर्भर है, अगर शासन चाहेगी तभी भर्ती आएगी और इसके लिए सबको प्रयास करना होगा अपने स्तर पर, चाहे वो प्रयास का माध्यम आपके ऊपर निर्भर करता है साथियों कि आप किस माध्यम से शासन तक अपनी बात को सकारात्मक रूप में पहुंचाने में सफल होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।